सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आसुबे का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों आज जो बिजनेस की बात करने जा रहे हैं वो बिजनेस है ना, आप कम इन्वेस्ट में शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी दोस्तों छोटी सी शुरुआत से आप बिजनेस को ना ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। हम ऐसे ही कुछ बिजनेस की बात करने जा रहे हैं और ये बिजनेस आप केरला से शुरू करके, यानी कि केरल से आप कौन कौन से बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही कुछ बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, पर दोस्तों पहले आपको स्टार्टिंग आपको करनी है। यानी कि दोस्तों सोचना नहीं है, देखना नहीं है, यानी कि दोस्तों स्टार्टिंग है ना, बस कर दीजिए, उसके बाद देखिए दोस्तों कैसे प्रॉफिट होगा। आप दोस्तों प्लान बनाइए इस बिजनेस का, फिर देखिए दोस्तों आपको कैसे प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला बिजनेस आता है केरल से जुड़ा हुआ बिजनेस जो है वो है होटल का बिजनेस। यानी कि दोस्तों आप होटल शुरू करके, अब आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट है ना उतने इन्वेस्टमेंट से आप होटल ले सकते हैं। आप होटल को रेंट पे भी ले सकते हैं, 3-स्टार होटल, 4-स्टार होटल, 5-स्टार होटल भी आप चला सकते हैं। पर दोस्तों 4-स्टार 5-स्टार होटल, 3-स्टार होटल के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ऐसे ही आप 10 कमरों का, 20 कमरों का, या फिर 15 कमरों का, या 25 कमरों का आप होटल वगैरह कहीं पे जो बस स्टैंड साइड में या स्टेशन साइड में, एयरपोर्ट साइड में, या फिर दोस्तों अपनी सिटी के अंदर, लोकल के अंदर आपके पास अगर कोई ऐसे जगह है यानी जहाँ पे होटल बना सकते हैं, वहाँ पे भी आप होटल बनाकर भी आप चला सकते हैं। या फिर दोस्तों ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो रेंट पे देता है होटल को, तो दोस्तों वो प्रॉपर्टी आप रेंट पे यानी लीज पे लेकर एग्रीमेंट के साथ, तो दोस्तों आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको जो है स्टाफ रखना होता है। वैसे आपको स्टाफ पहले से ही होटल में मौजूद मिल जाएगा, बट दोस्तों फिर भी अगर होटल में स्टाफ नहीं मिलता है तो आपको स्टाफ वगैरह रखना होता है, जो सेफ वगैरह होते हैं, जो खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट के लिए फूड सर्विस बॉय होते हैं वो भी चाहिए होते हैं आपको। इसके लिए साथ साथ हाउसकीपिंग के लिए, रिसेप्शन के लिए आपको स्टाफ रखना होता है और एक मैनेजर वगैरह भी आपको रखना होता है। इस तरह से आपको ना मैनेज करके इसको चलना होता है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं दोस्तों आप 10 लाख 20 लाख से भी ये शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको रेंट पे जो है प्रॉपर्टी लेनी है। अब एक साल के लिए लेना चाहें तो एक साल के लिए ले सकते हैं, 10 साल के लिए एग्रीमेंट करना चाहे 10 साल के लिए कर सकते हैं, ज़्यादा के लिए करना चाहे ज़्यादा साल के लिए भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। पर दोस्तों होटल की आप शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों होटल की शुरुआत से आपको क्या होगा कि रूम के ना जो प्राइस है ना ऐसे रखें जो सिटी में, आसपास की सिटी में जो भी चल रहे हैं ना रूम रेंट वगैरह, वही दोस्तों आप रेंट वगैरह रखें। उसके बाद दोस्तों आप होटल की शुरुआत कर सकते हैं अच्छी खासी, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे इसमें। तो दोस्तों शुरुआत कीजिए होटल की, फिर देखिए दोस्तों कैसे प्रॉफिट होता है। दूसरा बिजनेस आता है दोस्तों रेस्टोरेंट का बिजनेस। यानी कि दोस्तों आप अपनी सिटी में कोई ऐसी जगह है, कोई है हॉल वगैरह है, या फिर दोस्तों कोई शॉप वगैरह है जो बड़ी ज़्यादा है, उसको आप वहाँ पर आप रेस्टोरेंट वगैरह अपना शुरू कर सकते हैं। आपको किचन के लिए सेटअप वगैरह भी करना होता है, या फिर दोस्तों पहले से कोई सेटअप किया हुआ है कि रेस्टोरेंट का, तो दोस्तों वो भी आप रेंट पर ले सकते हैं, यानी दोस्तों लीज पर आप ले सकते हैं एग्रीमेंट के साथ। आप 1 साल का 2 साल का 3 साल का जितना एग्रीमेंट करना चाहें उतना एग्रीमेंट आप कर सकते हैं। रेस्टोरेंट की शुरुआत आप 1 लाख 2 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, 5 लाख 10 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर भी आप रेस्टोरेंट वगैरह शुरू कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर आप इंडियन जो है इंडियन फूड है वो भी रख सकते हैं, उसके साथ साथ आप वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट भी आप शुरू कर सकते हैं। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस रेस्टोरेंट की शुरुआत करना चाहते हैं और कितना बड़ा रेस्टोरेंट करना चाहते हैं, क्या क्या मेन्यू आप रखना चाहते हैं। अपनी लोकल डिश जो है वो भी आप मेन्यू में रख सकते हैं, इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल डिश है वो भी आप रख सकते हैं, चाइनीज भी आप अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में रख सकते हैं। तो दोस्तों सेफ को ऐसे रखना है, जो सेफ वगैरह आप रखें ना जो खाना बनाने वाले, तो दोस्तों ऐसे रखने जिनकी फास्ट सर्विस हो और दोस्तों अच्छा खासा खाना बनाना जानते हो, उसके साथ साथ आप 2-3 हेल्पर उसको दे सकते हैं। इस तरह से ना आप ना रेस्टोरेंट की शुरुआत कर सकते हैं और एक आप 2-3 सर्विस बॉय भी रख सकते हैं जो गेस्ट को, जो कस्टमर आते हैं उनको सर्विस वगैरह दे सके। तो इस तरह से आप रेस्टोरेंट की शुरुआत करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों दिन के ना रेस्टोरेंट के बिजनेस से आप 3,000-5,000 से ज्यादा की कमाई आप दिन के कर लेंगे, दोस्तों जो है महीने के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा बिजनेस आता है कि आप फूड स्टॉल, यानी कि दोस्तों जो फूड स्टॉल होती है आपने रोड साइड में या फिर देखा होगा जो फूड स्टॉल होती है, उसका बिजनेस शुरू करके भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग आपको करनी है, यानी कि दोस्तों फूड स्टॉल में क्या होता है कि आपको क्या है कि फूड स्टॉल वगैरह रेंट पे लेनी है। अब दोस्तों किसी शॉप के मालिक से बात करनी है, यानी कि दोस्तों एक नहीं लगानी है, आपको 2 स्टॉल लगानी है, एक इस एरिया में तो दूसरी दूसरे एरिया में। इससे क्या है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यानी दोस्तों शुरुआत करेंगे ना तो प्रॉफिट आपको अच्छा खासा होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको है ना फूड स्टॉल लगानी है, एक इस एरिया में एक दूसरे एरिया में, और दोस्तों आपको हेल्पर वगैरह उस पर रखने हैं जिसको फूड वगैरह अच्छे से बनाना। ये फूड वगैरह आप है ना कौन कौन से बना सकते हैं ये आप सोच रहे होंगे, तो दोस्तों आप चाइनीज़ फूड स्टॉल भी लगा सकते हैं, इंडियन फूड स्टॉल भी लगा सकते हैं, पराठे की फूड स्टॉल भी लगा सकते हैं, पानीपुरी की फूड स्टॉल भी लगा सकते हैं, पानी पूरी हो गया, दही बल्ले वगैरह हो गया, यानी जो भी आप लगाना चाहें वैसी फूड स्टॉल आप लगाकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर दोस्तों आप 2 जगह से आपको इसकी शुरुआत करनी है ताकि एक में अगर नहीं चलता है तो दूसरी जगह चलता है तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। दोस्तों कम से कम है ना आपका जो
इन्वेस्टमेंट की बात करूँ दोस्तों, आप 20-25 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में एक स्टॉल आपकी लग जाएगी, 20-25 हज़ार में दूसरी स्टॉल लग जाएगी, इस तरह से ना आपको ना प्रॉफिट ही होगा। स्टॉल ऐसी जगह पर लगानी है जहाँ पे कस्टमर की भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, कस्टमर को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसी जगह पर आप स्टॉल वगैरह लगा सकते हैं। बस दोस्तों शुरुआत आपको करनी है, फिर देखिए दोस्तों कैसे प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट की बात करूँ ना इसमें फूड स्टॉल के अंदर, तो आप दिन के हजार हजार रुपए दोनों स्टॉल से आप आराम से निकाल लेंगे, हेल्पर वगैरह को रखकर, हेल्पर वगैरह को सैलरी वगैरह भी रख सकते हैं आप, सैलरी वैली सब कुछ निकाल कर हजार हजार रुपए आप आराम से प्रॉफिट कमा ही लेंगे। फिर देखिए दोस्तों आपको कैसे प्रॉफिट है, यानी दोस्तों आप महीने के 60,000 रुपए से ज्यादा कमाई कर लेंगे फूड स्टॉल से, यानी दोस्तों आप तीनों में से कोई भी बिजनेस कीजिए केरल से आपको प्रॉफिट अच्छा ही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।